एडवेंचर को तीन चार लाइन लगातार आगे चादरें जा रही है, जिसका फुल आज मगरिब के बाद होता है, जैसे फुल होगा और चरफुद्दीन चावला साहब के मजार पे हम लोग पहुंच गए हैं और आज वहां पर उनका कुल होगा और कुल की जो रसामात है वो मगरिब के बाद होती है। तो मगरिब के बाद हमारे लकड़ों के मुतावली और लकड़ी कमेटी हमारी आ रही है, यहाँ पर चादरें सब यहाँ जमा होंगी, इसके बाद हमारे साथ मौलाना रजा अली रजन साहब जुड़ गए हैं। मैं मौलाना से आज का जो कुल है उसके बारे में और यहाँ की जो तारीख है उसके बारे में थोड़ा सा पूछूंगा, मौलाना थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये अमरोहा छोटी सी बस्ती थी, यहाँ पर हिंदू राजा राज करते थे और हिंदू प्रजा सताई जाती थी। सताई जाने की इंतहा अगर बताने चाहूँ आपको तो बड़ी शर्म की बात है कि किसी की शादी होती थी तो पहली रात को राजा के यहाँ सलाम करने दुल्हन को जाना पड़ता था। शाहबिलाल साहब के आने से ये तमाम जुल्म खत्म हुआ, इसीलिए हिंदू और मुसलमान हर आदमी इनकी ड्यूटी पर सलाम करने के लिए आता है। एक दिन का उर्स जो है 20 तारीख का, वो माथुर साहिबान की तरफ से होता है और माथुर साहिबान के यहाँ कोई दुल्हन घर नहीं जाती, पहले डिवड़ी पर शाहबिलाल साहब के यहाँ आती है, उसके बाद घर जाती है और वो अपना एक बाकायदा तरीके से एक भजन है जो शाहबिलाल साहब का वो लोग गाते हैं। 20 तारीख को देखा जा सकता है ये सब बड़े बड़े लोग माथुरों के, जैसे लल्लू बाबू साहब थे, एक माथुर साहब हैं, ये सब लोग यहाँ शरीफ होते थे बाकायदा तरीके से। इन्हीं की तरफ से कुल होता था, उस दिन जो कुरान शरीफ होता था उसका सारा एहतमाम इन्हीं लोगों को करना होता था। शाहबिलाल साहब ने यहाँ पर आकर जो पैगाम दिया, ये पैगाम बहुत फख्र से मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन मुसलमान तो वो होता है जो मूजी जानवरों के आतंक को ख़त्म कर दे। और ये यहाँ मौजूद है कि जब आपसे कहा गया कि यहाँ सांप पिछू बहुत हैं तो आपने कहा कि कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये हमें, इस हम में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, यही पैगाम है शाहबिलाल साहब का। यहाँ सब मोहब्बत से रहते हैं, कोई भी ज़्यादा चढ़ाए कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पर हर किसी के लिए रास्ता खुला हुआ है, हर किसी की दुआ कबूल होती है इनके वास्ते वसीले से। ये इमाम हुसैन की औलाद में है और इनके ननिहाल लाल बुखारी जिनके औलाद में शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब और अहमद बुखारी साहब हैं, ये इनका ननिहाल है। मौलाना यहाँ के इनके जो औलाद है वो कितनी औलादे हैं और एक औलाद इनकी वो जो लाल किले के सामने जो है उनकी क्या हिस्ट्री है थोड़ा सा? वो उनके एक बेटे की शादी हुई थी वहाँ दिल्ली में और उनका वही इंतकाल हुआ, वहीं पे दफन कर दिया गया था।
उनका शाही खानदान में शादी हुई थी उनकी। चूँकि ये चाहते थे बादशाह के ये हमारे साथ रहें, लेकिन उन्हें शहनशाही पसंद नहीं थी। उन्होंने ज़मीनों पर नहीं बल्कि ज़मीनों पर कब्जा किया, दिल पर हुकूमत की, मोहब्बतों को तकसीम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मौलाना रतन साहब थे हमारे साथ, जो अभी बता रहे थे कि हुसैन शरफुद्दीन शाह की हिस्ट्री बता रहे थे। और मैं आपको और भी लोगों से मिलवाऊंगा। माँ साहब, आज के उर्स के बारे में आप कुछ बताइए। सत्तर साल से ज़्यादा तारीख हो गई शाहजहाँ साहब के उर्स का, हज़रत सैयदुद्दीन सैयद साहब इनके सैयद अली कुतुब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स दरगाह में शिया सुन्नी औलाद मिलकर मनाती है, हमेशा मनाती चली आई है। और इसमें एक जो कल की तारीख थी वो कायास्तवा कहलाता है। तमाम जितने हिंदू लोग हैं वो उनकी तरफ से उर्स होता है। 21 का उर्स बरादरी की तरफ से होता है। 19 का उर्स जो है वो कायास्तव की तरफ से है। और 21 तारीख का कुल जो है वो औलाद की तरफ से ये सुन्नी शिया मिलकर मनाते हैं। बरसों से पुराना उर्स है। शाहजहाँ साहब की करामत बहुत ज़्यादा है। बिच्छू यहाँ डंक नहीं मारता, सांप डंक नहीं मारता। तमाम जायरीन दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, सबकी उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मैं जी, तुम यहाँ पे कुल पढ़ते हो, हमारे यहाँ का जो शजरा है वो पढ़ते हो, उससे पहले आपके वालिद पढ़ते थे, क्या आप किस कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? भाई, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि हम अपने बुजुर्गों का नाम सबके सामने लेते हैं, अपना शजरा बताते हैं कि हमारा नब्ज अदब क्या है। ये इमाम अली नकवी से शुरू हुआ और इस सिलसिले का तो ये हमारे पहले से पहले हमारे दादा परदादा, मेरे मुंतजिम साहिदा, मेरे वालिद, उसके बाद चाचा, उसके बाद मेरे बड़े भाई नाजिम साहिद, उनका इंतकाल हुआ। तो ये 4-5-6 साल से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और ये मुझे शरफ हासिल है। आप लोगों की सबकी मतलब दुआएं हैं और हमारे दादा जी का हमारा बहुत फख्र, बहुत 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 शुक्रिया। अमरोहा फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोग बैठ जाइए, यहाँ पे हमारी कभी शुरू होगी, बैठ जाइए आप लोग, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होगा। आप लोग बैठ जाइए, ऐसा कवानी नहीं हो सकती। पहले बैठ जाइए, लोग कवानी नहीं हो सकती। यहाँ पर तमाम बच्चे, नौजवान और सब लोग यहाँ पर हैं। और मुसलसल ये जो पुल है, पुल की तैयारियाँ चल रही है। लोग बैठ जाओ बेटा, इस वक्त हमारे साथ अमरोहा की एक बहुत अहम शख्सियत, जो हमेशा से अमरोहा में अमन और चैन और शांति का अपना एक मैसेज देते रहते हैं और रोजाना एक दीवार भी लिखते हैं, मेरे साथ और दादी जी से भी काफ़ी इनको श्रद्धा रखते हैं और दादी जी के ये मुरीद भी हैं और दादी जी को बहुत मानते हैं। मेरे साथ हैं अख्तर अब्बास साहब, जो गुलजार के नाम से मशहूर हैं। गुलजार साहब, आप आज के जो दादी जी का कुल है उसके उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और हमारे अमरोहा का जो कल्चर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और हमारे यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ का जो एक माहौल है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। क्योंकि मैं आपसे काफ़ी टाइम पहले से चाहता था कि मैं आपसे बात करूँ, अगर मुझे मौका नहीं मिल पाता था। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज आपसे यहाँ मुलाकात हुई। जी, आपकी जरान आबादी है अमरोहा, जैसे कि तमाम हजार वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि उदोबा शुरा बोकारा की दैरनीय बस्ती रही है। और ये जो बुजुर्गानी दीन यहाँ पर हैं, ये एक इत्तेहाद का संगम है।
यहाँ से हमेशा कौमी यकजहती और भाईचारा यहाँ से दर्श मिलता है। यहाँ पर जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, आप सबसे अव्वल तरीन हजरत शाह मीरा साहब पूरी दुनिया में ज़्यादातर मशहूर यूँ हैं कि यहाँ की जो करामात हैं वो लासानी हैं, जिनकी मिसाल नहीं मिलती दूर दूर तक। बिच्छू और सांप यहाँ पर इस दरगाह में ले आइए। सन 35 में एक अंग्रेज यहाँ से जब उसका गुजर हुआ तो उसने यहाँ पर बिच्छू को हाथ में लिया तो उसके जहन के अंदर एक बात ये आई कि शायद यहाँ की मिट्टी का असर हो या यहाँ पर ये पाले हुए हों। लेकिन जब वो यहाँ से नैनीताल गया और वहाँ से उसने वापसी की तो एक बहुत ही खतरनाक उसके बिच्छू हाथ में लगा, जिसने जिस डब्बे में बंद था उसमें डंक मारकर सुराख कर दिए थे। लिहाजा वहाँ यहाँ लाने के बाद जब उसको हाथ पर रखा गया तो उसने अपना डंक मोड़ लिया और उसने अपना डंक नहीं मारा। अब यहाँ से वक्ती तौर पर इजाजत लेकर यहाँ से जा रहे जैसे ले जाइए तो वो डंक नहीं मारेंगे, लेकिन जब दरगाह के अंदर लाएंगे और वक्त गुजरने के बाद तो वही बिच्छू आपके बाहर जाकर डंडी मार देगा जब उसका वक्त पूरा वहाँ से हो जाएगा इजाजत का। लिहाजा ये दरगाह है, इत्तेहाद की संगम है, सुन्नी शिया देवबंदी बरेलवी गैर मुस्लिम हर जात पात हर मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये तो उसका मौका है, यहाँ 12 महीने जुमेरात में भी ज़बरदस्त रश रहता है, शब जुमा शब जुमेरात और बहुत लातादाद यहाँ पर लोग इससे वाबस्ता है और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और फैजयाब होते हैं। करामात जो भी बयान की जाए वो कम, इलायची का पेड़, बीबी बखोई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मुझे आज सही इल्म नहीं कि यहाँ के बारे में। मैंने जो बोर्ड लिखा है शहर अमरोहा तेरी दुनिया में जो पहचान है, शाह शरफुद्दीन का सबसे बड़ा हम पर एहसान है और बिच्छू ही सजदा रेज इनके मज़ार पर, बिच्छू ही सजदा रेज है इनके मज़ार पर, अदना ये एक मौजज़ा है सैयद हुसैन का। बिल्कुल शुक्रिया साहब। और शाह शरफुद्दीन साहब यानी जो करामात हैं यहाँ की, इलायची दाने का पेड़ जो देखने से ताल्लुक़ रखता था, बहुत से लोग अपनी मन्नतें मानने पर्चे रुक के यहाँ पर टांग के जाते हैं और यहाँ पर फैजाब होते हैं और अपनी मुरादें हासिल करते हैं। ये ऐसी दर्शगाह है जहाँ से खुलूस अकूबत भाईचारा का हमें सबक लेना चाहिए और आपस के जो नाइतफाकियाँ हैं उनको ख़त्म करके यहाँ पर हमें एक प्लेटफार्म ऐसा है जो मोहब्बत और भाईचारा मिलता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे दादी जी से अपनी अकीदा रखने वाले और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं आपको काफ़ी लोगों से मिलवा चुका हूँ और हमारे साथ हमारे सीनियर अली जहीन साहब भी आ गए हैं। ये यहाँ पर इनकी एक शामिलायत सोसाइटी भी है जिसमें ये काम करते हैं दिल्ली में। मैं आज ये कुल के मौके पर यहाँ आए हुए तो मैं उनके भी कुछ ख्यालात का इजहार करें। आपके आज दादी जी के दिवस के मौके पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा दादी जी के तुफैल में कि मैं अमन अमान है वो खुदा करे बरकरार रहे, कौम यकजहती रहे और हम लोगों को भी तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा इल्म दें, क्योंकि उनकी तबलीग इल्म के गहवारे से ही शुरू हुई है, क्योंकि मौला अली के वो फॉलोवर्स रहे हैं। मौला अली का कौल है कि इल्म के बगैर इंसान की ज़िंदगी कारामद नहीं हो सकती। और मैं फरमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर नेक काम में माशाल्लाह आगे आगे रहती हैं और हमें भी इज्जत देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका बड़प्पन है, आपको ही देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे सब लोग यहाँ पर इस वक्त पूरी बिरादरी यहाँ पर जमा है और सब नौजवान लड़के भी यहाँ पर हैं। मैं कुछ नौजवान लड़कों से भी पूछूँ, बेटे तुम यहाँ पर उर्स में आए हो, दादी जी से क्या श्रद्धा रखते हो, कुछ बताओ चैनल और कुछ बताओ।
यूट्यूब चैनल पे आओगे तो बताओ क्या परेशानी हो रही है, मुझे पता है। चलिए चलिए, मतलब आप क्या कहेंगे आज दादी जी को रस में? ये है हमारे दोस्त जनाब सिफ्तार सर साहब, ये सीनियर सहाफी है और ये यहाँ पर कई अखबारों में और कई सोशल एक्टिविटीज में हमेशा आगे आगे रहते हैं। इनका हम अपने चैनल पे खैर मकदम करते हैं। आज दादी जी का उरस है, आपने कवर किया, आपको कैसा लगा, कुछ आपके बारे में हम बताएं? मुझे बहुत अच्छा लगा और फरमान साहब ट्रू चैनल के जरिए जो इन्होंने लाइव दिखाया है, मैं ट्रू चैनल का भी शुक्र अदा करता हूँ और खुदा से दुआ है कि हर साल इससे अच्छा ही हो और हसन शुजा साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ। जतन साहब आप कुछ कहेंगे आज के बारे में, आज दादी जी का उरस है उसके बारे में बताइए। बहुत कुछ कहेंगे। ये हमारे भाई हैं जतन साहब, अमरोहा से कटनी से गए, इनके यहाँ आज के दिन हाजिरी होती है, ये नजर कराते हैं हुसैन चरफुद्दीन चावला साहब की, चादर आती है वहाँ से, इनके यहाँ से चादर भी आती है। तो ये चादर कितनी पुरानी है आपके यहाँ? हमारे ये करीब 20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी है। और इसके अलावा यहाँ पे आप मुसलसल आते रहते हैं, आपकी मुरादें यहाँ से मिलती हैं? बहुत मिलती है, लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे साथ साथ भी बहुत लोग आते हैं, मुसलमान सिख सिखाई सब लोग आते हैं और सब अपनी अपनी मुरादें लेके जाते हैं, कोई पास होने की, कोई बच्ची की शादी के बारे में, कोई कारोबार के बारे में। यहाँ के बिच्छू ले जाइए आप 3-4 दिन के लिए, कह के कि 4 दिन बाद हम छोड़ जाएंगे, आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा। यहाँ कहीं भी बिच्छू को लेके बच्चों के ऊपर सिर पे उस पर हम मतलब के बिच्छुओं से ऐसे मतलब के खेलते हैं जैसे बच्चा मतलब के खिलौनों से खेलता है। आप भी कभी आइए देखिए यहाँ के हाल, क्या हाल है हमारे दादाजी की औलाद में से है। आपने देखा कि ये लोग अपना कितने दादाजी से मोहब्बत करते हैं और इसका उनको सिला भी मिलता है मुसलसल, यहाँ पे लोगों की मुरादें पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी कभी हुसैन शरफुद्दीन चावलायत के दरगाह पर आइए और अपनी मुरादें मांगिए, इंशाल्लाह पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि ये देखिए फूल चल रहा है, फूल के लिए कुर्बानी हो रही है, हमारे साथ नौजवान लड़के को दादाजी ने श्रद्धा रखते हैं। मैं पहले हकीम जी से बात करूँ, हकीम जी आज का क्या मैसेज है, दादी जी के यहाँ से क्या मैसेज मिलता है? हमारे जो अमरोहा की सभ्यता है उसमें दादी जी का कितना बड़ा हाथ है वो बताइए। चावला साहब का बहुत बड़ा हाथ है और आज अमरोहा के अंदर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो चावला साहब के। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जब भी मैंने सच्चे दिल से कुछ मांगा है मुझे
आपका क्या कहना होगा? देखिएगा, जो भी यहाँ पर आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। जो मुरादें दिल में लेकर आता है उसको उसकी मुरादें मिलती हैं और उसकी मुरादें पूरी होती हैं। चाहे जो धार्मिक स्थल होते हैं वो उसमें हिंदू और मुसलमान का कुछ नहीं है, ये लोग सबके हैं, सबको फेस पहुंचाते हैं, सबको फायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट साहब भी हैं। मैं जी, आप बताइए, आप दादाजी के यहाँ आए हुए हैं और आप यहाँ पे दादाजी की उरस में शरीक हो रहे हैं और आप वैसे भी आते रहते हैं यहाँ पे, जो लोगों को यहाँ पे जो करामात है उससे आप कितना? ये ऐसी करामात है मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में जो है ऐसे करामात है। जो बिच्छू है यहाँ पर वो कभी डंक नहीं मार सकता, क्योंकि बिच्छू इतना खतरनाक होता है, अगर किसी के काट ले तो आदमी बच नहीं पाए। ये दादाजी इनकी करामात है, शाहबलाई साहब की, हमारे के बिच्छू है इसके हाथ में कितने बात भी रहने वो काट नहीं सकता। जी, एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं और हमारे क्लास मित्र भी हैं, बहुत अच्छे और अब ये बड़े आदमी हो गए हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि आज ये दादाजी के उर्स में आए हुए हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले तो हम इनकी औलाद होने के नाते आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। ये बताइए कि आज यहाँ पे पुल में आए हैं आप और आपको अपनी प्रचंड जीत की भी मुबारकबाद दे रहे हैं पहले से, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और बहुत काम किए हैं। तो मैं आज के बारे में आप बताइए कि शरफुद्दीन शाह विलायत से जो लोगों की श्रद्धा है उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसे बुजुर्ग आज हमारे यहाँ शहर अमरोहा में हैं, कि जिनके साए में ये हिंदू मुसलमान सब पनपते हैं और इन्हीं की दुआओं की बदौलत है कि जो आज ये शहर अमरोहा इतनी तरक्की करता है। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, सब तमाम जहाँ तमाम मुल्क में झगड़े फसाद होते हैं, लेकिन अमरोहा एक वाहिद एक ऐसा शहर है आज तक यहाँ पर कुछ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हज़रत शाह विलायत साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब के यहाँ पर हमारे सबके साया यहाँ मौजूद है और वो शख्सियत है, वो मज़ार है यहाँ पर कि जिसपे हिंदू मुसलमान सब अपनी आस्था रखता है। और ये यहाँ पर जो हमारी जिंदा करामात है वो ये है, जिंदा करामात कि यहाँ पर भी बिच्छू डंक नहीं मारता, कि उसकी औकात नहीं कि जो डंक मार दे। हमारे हजरत आका का ये यहाँ पर ये रुतबा है यहाँ पर, और उस शहर अमरोहा के हम यहाँ पर, हमें फ़ख्र है कि यहाँ के हम रहने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ के रहने वाले हैं और उनके साए में यहाँ पर लोग पढ़ते पढ़ते हैं, जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर देखने आते हैं कि कौन सा मज़ार है यहाँ पर हज़रत शाह विलायत साहब, जहाँ पर बिच्छू भी डंक नहीं मारता। वहाँ हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि वो शहर अमरोहा हमारा है, जहाँ पर बिच्छू भी डंक नहीं मार सकता और यहाँ का इंसान तो की तो बात ही क्या है, यहाँ की मिठास इस बला की है इंसानों में कि इसकी कोई इंतहा नहीं। और उन्हीं की बदौलत से आज ये समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह ताला प्रचंड बहुमत के साथ इस सत्ता में वापसी करने वाली है और 350 ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता में सरकार बनाएगी। और माननीय महबूब अली साहब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ पहले नंबर की सीट होगी जो इतने वोटों से जीतने जा रही है अमरोहा की बाईशा, और वो इंशाल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। ये हमारी सबकी दुआएं उनके साथ है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेरे भाई हैं ये बहुत अजीज। जी, आज दादाजी का उर्स है, उर्स के बारे में कुछ कहेंगे? आज हम आए काफी साल के बाद, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हमारा बहुत अच्छा।
की जानिब से पूरी दुनिया को जा रहा है। मजार की खूबसियत यह है कि यहाँ पे छोटे नहीं मारता